हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। दोस्तों, हमें लगातार आपके मैसेजेस, ईमेल्स मिल रहे हैं कि हमें ट्रांजिशनल प्रोविजंस पे भी अपने व्यूज़ देने चाहिए। तो आपके लिए हम ट्रांजिशनल प्रोविजंस में ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड प्रोविजंस को आज डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई के बाद जो भी आप सेल करेंगे तो उस सेल पर आपको GST चार्ज करना होगा और GST की ही पेमेंट गवर्नमेंट को जमा करानी होगी। इसमें दो कंडीशन है, अगर आप विद इन स्टेट सेल करते हैं तो CGST और SGST चार्ज होगा, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो SGST की जगह UTGST चार्ज होगा, और अगर आप आउटसाइड स्टेट सेल करते हैं तो उस पर IGST लगेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओपनिंग स्टॉक में जो एग्जिस्टिंग लॉ में आप एक्साइज और वैट पे करके आए हैं, क्या उसका क्रेडिट अलाउ होगा? तो इसका जवाब है यस, आपको उसका क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि क्रेडिट कैसे अलाउ होगा और कितना क्रेडिट अलाउ होगा और क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी होगी इस क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। सबसे पहले इसे समझने के लिए हम बिज़नेस को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला तो ऐसे मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो कि एक्साइज में भी रजिस्टर्ड हैं और वैट में भी रजिस्टर्ड हैं। तो इस केस में 1 जुलाई से पहले जो भी लास्ट रिटर्न उन्होंने सबमिट की है एग्जिस्टिंग लॉ में वैट की और एक्साइज की, उसमें जो क्रेडिट बैलेंस उन्होंने शो किया है वो क्रेडिट बैलेंस आगे GST में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक्साइज का बैलेंस CGST में और वैट का बैलेंस SGST में ट्रांसफ़र होगा। क्रेडिट क्लेम करने के लिए जो कंडीशन ध्यान रखनी है वो ये हैं कि लास्ट 6 मंथ की रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल की होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड केस की, जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, केवल वैट में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके पास जो स्टॉक है उससे रिलेटेड जो बिल हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी क्लियरली मेंशन है। तो इस केस में जितनी ड्यूटी उसके बिल पर मेंशन है उतनी ड्यूटी का क्रेडिट अलाउ हो जाएगा और वो क्रेडिट CGST में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैट का क्रेडिट उसकी लास्ट रिटर्न के बेस पे ट्रांसफ़र होगा। इस केस में जहाँ पे मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, केवल वैट में रजिस्टर्ड है, वहाँ पे 4 कंडीशन आपको ध्यान रखनी होंगी क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए। पहली कंडीशन है कि उसे जो स्टॉक बचा हुआ है वो 12 महीने से पुराना स्टॉक नहीं होना चाहिए, यानी अपॉइंटेड डेट से जस्ट पहले 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, ओपनिंग स्टॉक जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ में उसे सेल आउट कर देना होगा। तो तीसरी कंडीशन है वो स्टॉक को अलग से आइडेंटिफिकेशन देनी होगी, जिससे कि प्रॉपर ऑफिसर कभी भी उसे चेक करे तो उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो कि कौन सा स्टॉक आपका पुराना है और कौन सा स्टॉक आपका GST रिलेटेड है। और फोर्थ कंडीशन है कि उस स्टॉक की, जो स्टॉक पुराने एग्जिस्टिंग लॉ से कैरी फॉरवर्ड होकर इधर आ रहा है, उसकी नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स में आपको डिटेल डिपार्टमेंट को फाइल करनी होगी। ऐसा मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, केवल वैट में रजिस्टर्ड है, और उसके पास जो स्टॉक बचा हुआ है उससे रिलेटेड जो बिल्स हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी क्लियरली मेंशन नहीं है, तो इस केस में जो क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा वो CGST या IGST के रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप जब उस गुड्स को GST में सेल करेंगे तो दो तरह से आप सेल कर सकते हैं, या तो विद इन स्टेट सेल करेंगे या फिर आउटसाइड स्टेट सेल करेंगे। तो जब आप उसे विद इन स्टेट सेल करेंगे तो CGST और SGST चार्ज करेंगे, और यूनियन टेरिटरी का केस है तो वहाँ पे SGST की जगह UTGST चार्ज होगा। तो अगर आपने इनवॉइस पर CGST और SGST चार्ज किया है तो उस केस में अगर इनका रेट CGST का रेट 9% या उससे ज़्यादा है तो उस केस में CGST का 60% क्रेडिट आपको अलाउ हो जाएगा। तो अगर CGST का रेट 9% से कम है तो उस केस में CGST का 40% ही क्रेडिट अलाउ होगा। अब अगर आप इस गुड्स को इंटरस्टेट सेल करते हैं तो उस केस में IGST चार्ज होगा, और अगर IGST का रेट 18% या उससे ज़्यादा है तो आपको IGST का 30% क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, और अगर 18% से कम है IGST का रेट तो IGST का 20% क्रेडिट अलाउ होगा। बट ये जो क्रेडिट अलाउ होगा वो IGST या CGST, SGST दोनों को पे करने के बाद ही आपको क्रेडिट अलाउ होगा, यानी आपको पहले टैक्स पे करना होगा और उसके बाद ही क्रेडिट अलाउ होगा। अब वो जो 4 कंडीशन हमने अभी आपसे डिस्कस की थी वो चारों कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। अब ये क्रेडिट क्लेम करने के लिए जो गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड फॉर्मेट है वो है GST TRAN 01। ये रिटर्न आपको विद इन 90 डेज, अपॉइंटेड डेट के 90 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट के पोर्टल पर सबमिट करनी होगी, और इस रिटर्न के बेसिस पे जो आपका क्रेडिट बनेगा वो आपके क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें एक ख़ास बात जो ध्यान रखने वाली और है वो है कि जो भी स्टॉक आप जिसके ऊपर क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं वो अगले 6 टैक्स पीरियड में उसकी डिटेल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होगी। तो अब
किस फॉर्मेट में उसे सबमिट करनी होगी, वो फॉर्मेट भी गवर्नमेंट ने दिया है, वो है GST TRAN 02। यानी डिपार्टमेंट ने बताया है ये फॉर्मेट फिल करना है आपको हर एक टैक्स पीरियड के बाद, यानी 6 टैक्स पीरियड तक आपको ये स्टेटमेंट देना होगा। ये दोनों ही फॉर्मेट आपको हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या CBEC की साइट पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।